खुदावंद का शुक्र, उसके कदूस नाम की तारीफ अब्दुलाबाद होती रहे और हम खुदावंद के नाम को इसी तरह इज्जत और जलाल देते रहें, क्योंकि वो कदूस खुदा तारीफ हम्द और सताइश के लायक है। और वो हम सबको ये मौका अता करता है, एक नया दिन दिखाता है, जिंदगी देता है, नई सांसें बख्श देता है, ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें और अपने दिन का आगाज उसके कदूस नाम से करें। तो मेरे अजीजों, आइए उस कदूस के नाम को मुबारक कहें, उसे कदूस कहें, उसके कदमों में झुकें और आज एक बार फिर हम उसके कलाम में से सीखें। मेरे साथ देखिएगा पैदाइश की किताब, उसका 49वां बाब और उसकी 8वीं आयत से। पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब 49वां बाब 8वीं आयत। कलाम खुदा में कुछ इस तरह से लिखा है, ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदहा करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगूं होगी। यहूदा शेरे बब्बर का बच्चा है, ऐ मेरे बेटे तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेरे बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया, कौन उसे छुड़ाएगा? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हकूमत का आसा माकूफ होगा, जब तक शिलवा ना आए और कौमें उसकी मति होंगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हम यहाँ पे देखते हैं कि याकूब अपने बेटों को नाम बनाम बरकत दे रहा है और याकूब के बारे में हम जानते हैं कि ये अब्राहम का पोता और इजहाक का बेटा है। और हम सब जानते हैं कि याकूब ने किस तरह से अपने घर से भागकर अपने मामू के यहाँ पनाह ली और फिर वहाँ उसने दो शादियाँ की, दो बीवियाँ की, और ना सिर्फ बीवियों बल्कि लौंडियों से भी उसके बच्चे हुए और टोटल बच्चे उसके 13 थे, 12 बेटे और एक बेटी। याकूब को जब ये पता चला, उसने ये जान लिया कि अब उसका वक्त आ पहुंचा और वो इस दुनिया से रहलत करके अपनों में जा मिलेगा, तो उसने अपने बच्चों को बरकत दी। और यहाँ पे हम देखते हैं यहूदा के लिए उसने क्या अल्फाज कहे। उसने कहा, आ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदहा करेंगे, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। और अगर हम 10वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हकूमत का असा माकूफ होगा, जब तक शिलवा ना आए। और मेरे अजीजों, शिलवा के बारे में, यानी कि उस आने वाले नजात दहिंदा के बारे में हम पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और 15वीं आयत में ही देख लेते हैं, जहां पर आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की और खुदा ने वहां पर सबको सजा दी, अब्लीस को भी और आदम और हवा को भी, और ये कुल कायनात इनके सबब से, इस नाफरमानी के सबब से लानती ठहरी। सो 3रे बाब की अगर हम 15वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सो आने वाले की पेशनगोई यहीं पर कर दी गई और खुदा बाप ने खुद कहा कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। यहां मर्द की बात नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर औरत की नस्ल की बात हो रही है, और इस पर फिर हम कभी गौर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहूदा के करैक्टर पर थोड़ा सा गौर करते हैं। सो हम देखते हैं कि यहाँ पे याकूब ने उसे इस बात की बरकत दी कि तेरे खानदान से तुझ से कभी सल्तनत जुदा नहीं होगी, नजात दहिंदा बादशाहों का बादशाह कदूस खुदा तेरी नस्ल से आएगा, जो अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा। अच्छा, हम देखते हैं कि यहूदा के भी 3 बेटे थे, और उसका बड़ा बेटा जो ईर है, वो एक औरत को ब्याह लाता है और उस औरत का नाम तिमर है।
अब ईर के बारे में लिखा है, जो यहूदा का पहलौठा बेटा था, वो खुदावंद की निगाह में शरीर था। और शरीर क्यों था? क्योंकि वो ऐसे काम करता था जो खुदावंद को पसंद नहीं, खुदावंद जिनसे घिन खाता है, खुदावंद जिससे सख्त नफरत रखता है। ये लफ्ज जो है शरीर, ये सदूम और अमूरा के लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। गो कि यहाँ खुल के नहीं लिखा हुआ कि ईर जो है वो क्या शरारत करता था, लेकिन क्योंकि उसे शरीर कहा गया है, सो सदूम और अमूरा के लोगों को भी शरीर कहा गया, इसलिए कि वो हम जिन्स प्रस्ती करते थे, यानी कि वो काम करते थे जो नेचर से हटकर है, मर्द मर्दों से और औरत औरतों से रूसियाही के काम करते थे। और आज भी हम देखते हैं कि अब्लीस इस काम को बहुत प्रमोट कर रहा है, औरतें औरत से शादी करती हैं, मर्द मर्दों से, और इस काम को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत प्रमोट किया जा रहा है, और इसे लीगल, बहुत सारी कंट्रीज में लीगल करार दे दिया गया है। सो ये काम जो है ये खुदावंद की निगाह में बहुत घिनौना, नफरत अंगेज है, और ऐसे लोग शरीर हैं, और वो शरीर से हैं, क्योंकि इब्लीस को शरीर भी कहा गया, क्योंकि वो शरारत का मंबा है, शरारत दर हकीकत उसने शुरू की। सो हम इसी बात पे दोबारा वापिस आते हैं, और हम देखते हैं कि ईर खुदावंद की निगाह में शरीर था, यानी कि वो ऐसे काम करता था जो खुदावंद को पसंद ना थे, सो खुदावंद ने उसे हलाक कर दिया। अब यहूदा ने अपने छोटे बेटे ओनान से कहा कि अपनी भाई की बीवी के पास जा और अपने देवर होने का हक अदा कर, क्योंकि इस तरह होता था कि जब बड़ा भाई मर जाता था, जो बे औलाद होता था, औलाद वाला नहीं बल्कि जो बे औलाद होता था, उसकी बीवी छोटे भाई से ब्याह दी जाती थी, ताकि पहला बच्चा जो हो वो बड़े भाई जो कि बे औलाद मर गया, जिसकी नस्ल आगे नहीं चल रही, उसके नाम से कहलाए। सो ओनान क्योंकि जानता था कि मैं अगर जाऊंगा अपने भाई के पास और मेरे बच्चा पैदा होगा, तो ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि मेरे भाई के नाम से कहलाएगा। सो वो क्या करता था, जब अपनी बीवी के पास यानी कि तिमर के पास जाता था, तो वो जो अपना नुतफा होता था उसको ज़मीन पर गिरा देता था, और ये काम भी खुदा की नज़र में शरारत गिना गया, और खुदावंद ने उसे भी हलाक कर दिया। अब यहूदा जो है वो बहुत डर गया, क्योंकि उसका एक बेटा और भी है जो सबसे छोटा है, वो सैला है। अब उसे लगा कि शायद तिमर में कोई मसला है, क्योंकि मेरा जो भी बेटा इससे शादी करता है वो मर जाता है। सो वो उसे उसके मैके भेज देता है और उसे कहता है, तो अपने माँ बाप के यहाँ रह, जब मेरा बेटा ये थोड़ा जवान होगा, इस काबिल होगा शादी की, तो मैं तुझे बुला लूँगा और इस छोटे बेटे से तुझे ब्याह दूंगा, सो तू तब तक इंतज़ार कर। अब तिमर उस इंतज़ार में बैठी रहती है कि कब उसका ससुर आए, उसके छोटे देवर से उसका ब्याह करे, वो इसी इंतज़ार में रहती है। लेकिन यहूदा जो है, क्योंकि उसके दिल में बेईमानी थी, वो उसे ब्याहना नहीं चाहता था, इसलिए जब तिमर को पता चला कि उसका देवर जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन मेरा ससुर ये बात भूल गया है। अब इस दौरान ये होता है कि यहूदा की जो बीवी है वो भी मर जाती है, और यहूदा जो है वो इधर उधर कस्बी औरतों के पास जाना शुरू हो जाता है। सो तिमर को जब ये सारी बातें पता चलती हैं, तो वो कस्बी का रूप धार कर जिस रास्ते से यहूदा ने जाना था उसी रास्ते पे बैठ गई, और यहूदा ने जब उसे देखा तो समझा कि ये कोई कस्बी है, क्योंकि उस औरत ने यानी तिमर ने अपना मुंह ढांप रखा था। सो वो उससे कहता है कि जरा मुझे अपने साथ मुबाशरत करने दे, तो वो कहती है ठीक है। लेकिन यहूदा कहता है कि इस वक्त जब वो उस काम से फारिग हो गए, तो उसने कहा कि अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, मैं तुझे बकरी का बच्चा जो है वो भिजवा दूंगा, जो भी तेरी उजरत है मैं तुझे दूंगा। उसने कहा ठीक है, तू मेरी उजरत जब मुझे भेजेगा तो तू अपना कमरबंद, अपना जो गले में तूने पहना हुआ तवीज़ वो मुझे दे दे, अपनी लाठी मुझे दे दे, और जब तू मुझे मेरा जो है मेरी उजरत जो है भेजेगा, तब मैं ये चीज़ें तुझे वापस कर दूंगी। और इसमें लिखा हुआ है, उसने कहा अपना मोहर, अपना बाजू बंद और अपनी लाठी जो तेरे हाथ में है, उसने ये चीज़ें मुझे दे दे। और जब वो
अपने अपने ससुर से मुबाशरत कर लेती है, और तब वो अपने घर जाकर अपना वही लिबास पहन के बैठ जाती है, बेवा का लिबास पहन लेती है। सो कुछ 3 महीनों के बाद यहूदा को ये खबर मिलती है कि तेरी बहू ने ये नाजायज और घिनौना काम किया है, वो हामला है। यहूदा कहता है ठीक है, उसे लेके आओ, हम उसे जला देंगे, उसे हलाक करेंगे। और जब लोग उसे मारने के लिए बाहर लाते हैं, तो रूथ अपने ससुर को अंदर तिमर अपने ससुर को बुला कर कहती है कि जरा तू मेरी बात सुन। और जब उसका ससुर यानी कि यहूदा तिमर के पास जाता है, तो वो कहती है मेरा हमल जो है इस मर्द से है, और अब जरा तू ये चीजें पहचान ले। और मेरे अजीजों, यहूदा ने जब वो चीजें पहचानी तो वो रोया और चिल्लाया, उसने कहा कि तू तो मुझसे ज्यादा सच्ची है, तू मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैं तो अपना वादा भूल गया था लेकिन तुझे याद था। और मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा अपने प्लान को पूरा करता है, क्योंकि यहूदा से ही खुदावंद यीशु मसीह ने आना था, और उसकी नस्ल से बादशाहों के बादशाह ने आना था। सो यहूदा तो शायद इस काम को डिले कर रहा था, लेकिन तिमर अनजाने में भी इस काम को पूरा कर रही थी। अब ये हम मैं नहीं कह रही कि उसने बिल्कुल ठीक किया, ये गलत था खुदावंद की निगाह में, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो नाजायज औलाद कहलाते हैं, वो बाइबल में लिखा हरामकार हैं। सो हरामकारों की सजा ये थी कि वो खुदावंद की बादशाही में आने ना पाए, और अगर आए भी तो उसका एक तरीका था, एक असूल था जो बाइबल में लिखा हुआ है कि 10 नस्लों तक हरामकारी की सजा दी जाती थी। यानी कि जो हराम मुझे माफ कीजिएगा, ये अल्फाज बाइबल के ही हैं, लेकिन जो हरामी नस्ल थी, जो हरामी औलाद होती थी, उसको 10 नस्लों के बाद बरकत में कन्वर्ट किया जाता था। यानी कि 10 नस्लों तक उनकी सजा जो थी, या उनकी हरामकारी की वो लानत जो थी, वो चलती रहती थी। और अगर हम रूत की किताब में देख लें, रूत की किताब उसका 4वां बाब, और उसकी अगर हम 18वीं आयत में देखें, तो मेरे अजीजों, फारस और जारा जो तिमर से पैदा हुए थे, जो यहूदा की औलाद थी, जो गो के वो हराम औलाद थी, जायज नहीं थी, नाजायज थी, लेकिन क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसी नस्ल से आना था, सो ये 10 नस्लों का नाम फर्क आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 10 नस्लों के बाद यसी जब पैदा हुआ और यसी से दाऊद पैदा हुआ, ये 10 नस्लें हारस से लेके यसी तक 10 नस्लें बनती हैं, और ये 10 नस्लों के बाद इस लानत को खत्म किया गया, और खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। इसके बारे में आगे चलकर हम सीखते रहेंगे, क्योंकि क्रिसमस के दिन चल रहे हैं और हम आजकल इन्हीं मैसेजेस को सीखेंगे, सुनेंगे खुदावंद के कलाम से। सो आप इस बात को याद रखिएगा कि 10 नस्लों के बाद इस लानत को ख़त्म किया गया, और आप ये रूत की किताब 4वें बाब में देख सकते हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।